हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आज जो BHT का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। हो सके कि इस वीडियो में आपको आवाज़ के साथ कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो हम आपको बताए। देखिए, हम अभी एक एग्ज़ाम सेंटर पे ही हैं और वहीं से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके कारण कि आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि BHT का जो आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था उसका सही सही आंसर क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हेनरी फ्यूल थे एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवार की संरचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच है, नियोजन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर छः है, नियोजन प्रबंध का डैश चरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम चरण है। क्वेश्चन नंबर सात है, बड़े आकार वाले उपकरण में भारार्पण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर आठ, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकार। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर दस, एक लंबा ढांचा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर बारह है, वित्तीय प्रबंध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर तेरह है, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। इसका आंसर हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौदह है, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सोलह है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्पकालीन कोष का। क्वेश्चन नंबर सत्रह है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दीर्घकालीन कोष का। क्वेश्चन नंबर अठारह, तरलता का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गौण बाजार। फिर क्वेश्चन नंबर उन्नीस, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर बीस है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1992 में। क्वेश्चन नंबर इक्कीस है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकतम उत्पादन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस को, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तेईस है, नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी अवधि के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर चौबीस है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एलन का है। फिर क्वेश्चन नंबर पच्चीस है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार। क्वेश्चन नंबर छब्बीस, नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रबंध हो जाए, ये प्रारंभ हो जाएगा। हो सकेगा कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट इसका ऑप्शन सी मार के आए हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए ही होगा। उसका क्वेश्चन नंबर सत्ताईस, एक अच्छी योजना होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोचपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस, संगठन प्रक्रिया में निहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर उनतीस है, डैश में अनुशासन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर तीस, डैश में पक्षपात नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औपचारिक संगठन।
क्वेश्चन नंबर 31 एक्स संगठन का नियंत्रण कार्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगे साथ ही साथ पीछे देखना। क्वेश्चन नंबर 32 यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, पितृशुल्क उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम लाभांश देना। क्वेश्चन नंबर 34 वित्तीय उत्तोलन अनुकूलन कहलाता है, यदि निवेश पर आय ऋण की लागत से ऊंची है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक दूसरे को सहयोग देते हैं, यानी कि संपूरक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधार चुकता चक्र है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी T+2। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, उद्यमिता के उपबंध या अवरोध पोषित करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नव सृजन। क्वेश्चन नंबर 39 उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लघु फर्म। क्वेश्चन नंबर 40 है, उद्यमितीय लक्षण किससे संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जोखिम वाहन व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 41 विपणन पर व्यय किया गया धन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विनियोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विपणन व्यय भार है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपभोक्ताओं पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यवसाय के लिए विपणन है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिवार्य होता है, बिना विपणन का व्यवसाय नहीं हो सकता, इसीलिए विपणन हो जाएगा अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 44 विपणन का लाभ है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इनमें सभी को, क्योंकि विपणन का लाभ इनमें से सभी को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45 विपणन अवधारणा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साझेदारी फर्म में। क्वेश्चन नंबर 47 है, सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 50 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सफल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 निर्देशन के तत्व है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी तत्व हैं निर्देशन के। क्वेश्चन नंबर 52 है, निर्देशन प्रबंध का डैश पहलू नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतर व्यक्तिगत पहलू नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, पर्यवेक्षण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्गदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 56 नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनिवार्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 57 नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतिम कार्य है प्रबंध का। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रभावी नियंत्रण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गत्यात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी कार्य वित्तीय प्रबंध के हैं। क्वेश्चन नंबर 60 वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एवं बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रशिक्षण की विधियां हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, नियुक्तिकरण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 65 यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औपचारिक।
क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 67 अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अब्राहम मास्लो। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पदोन्नति है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 70 एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी में। क्वेश्चन नंबर 71 समन्वय है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 72 समन्वय स्थापित किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 74 प्रबंध एक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कला एवं विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रोजगार उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 76 वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 77 हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14। क्वेश्चन नंबर 78 हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 80 प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 82 है अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकेंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 83 डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 84 नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनियोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 85 नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 86 मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 87 नियुक्तिकरण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रबंध का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 88 निर्देशन के प्रमुख तत्व है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। क्वेश्चन नंबर 89 निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी स्तर पर होती है। क्वेश्चन नंबर 90 निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी स्तर। क्वेश्चन नंबर 91 प्रशासन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 92 प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सभी के प्रति। क्वेश्चन नंबर 93 प्रबंध कला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 प्रबंध एक पेशा है यह कथन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन परंपरा नहीं, इसके बाद बीच का एक पेज अभी छूट गया था उसको हम इसके बाद लाते हैं। तो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कम दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध की प्रकृति है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का सार है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 97 वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेलर। क्वेश्चन नंबर 98 मानसिक क्रांति मूलाधार है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वैज्ञानिक प्रबंध का। क्वेश्चन नंबर 99 है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गति अध्ययन थकान अध्ययन और समय अध्ययन। तो दोस्तों ये था बीएसटी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही उत्तर। हमने आपको बीएसटी के ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो कल अपलोड किया था, जिसमें से मेरे हिसाब से उस 75 क्वेश्चन में से लगभग 60 क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इसी प्रकार के सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर और VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हो सके तो कल हमारा अकाउंट के लिए VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।